हे गाइस व्हाट्सएप हाय, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जो आप लोग की जो स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, मेरा जो है इससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म पे ये जो वीडियो होने वाली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सेमेस्टर टू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर जो है इस रिगार्डिंग वीडियो है। ओके, पहला वीडियो हमारा आया था नोटिस के रिगार्डिंग, सेकेंड वीडियो हमारा आया था आपको इस जो सब्जेक्ट रखनी है क्या चेंज करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म जब भरेंगे तो हमारा जो कुछ चेंजेज हुआ था वो क्या चेंजेज होनी है। ठीक है, तो वो उसमें वीडियो में हम आपको बताए थे। और ये जो वीडियो होने वाली है जो भी प्रॉब्लम अकर्ड हो रही है आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय उसका जो है हम इस वीडियो में निवारण करेंगे। ओके, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम मेन आ रही है बता दें आपको। देखिए, मेन प्रॉब्लम जो भी आपको आ रही है यहाँ दिख रहा होगा, एक तो है नॉट एलिजिबल का। ओके, पहला प्रॉब्लम है नॉट एलिजिबल का। सेकंड जो दूसरा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को नॉट रिकॉर्ड का। देखिए, जब आप जब ओपन करते हैं आप वेबसाइट को तो उसमें रोल नंबर पुट करने को कहेगा और मोबाइल नंबर, तो दोनों देने के बाद जब आप करते हैं तो किसी किसी बच्चे का नॉट एलिजिबल आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है नॉट रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। तो दोनों का क्या जो है आपको इसका निवारण है वो बताते हैं हम आपको। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट जो हमारा डेट को ओपन हुआ था वेबसाइट 21 तारीख को, तो उस समय जो है बहुत सारी ध्यान से सुनिएगा यहाँ से, 21 तारीख को जब हमने जो डाटा सेंटर होती है ठीक है पता चली है कि वहाँ पर जो है फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बिजी होने के कारण बहुत बच्चे साइबर जो है वो वेबसाइट क्रैश हो गया है। ठीक है, क्रैश हो गया था तो जो दो प्रॉब्लम थी उसका निवारण बता रहे हैं। फर्स्टली पता चला था डाटा सेंटर से अगर बात मैसेज के थ्रू अगर बात किए थे तो आपको टेक्निकल जो नंबर है हेल्पलाइन दिया होगा आपको, जो आपका ये होता है फॉर्म जब भर रहे होंगे एग्जाम फॉर्म तो उसके नीचे तीन नंबर दिया है टेक्निकल, आप देखिएगा जाकर चेकआउट करिएगा। तो उस तीन नंबर में से एक नंबर पर आई थी क्या कि सर्वर जो है क्रैश होने के कारण वेबसाइट जो अच्छी तरीके से जो काम नहीं कर रही। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बहुत सारी जो है फर्स्ट डे बहुत सारे बच्चे उस पर जो है लैंड कर अपना काम कर रहे होंगे, बहुत सारे नहीं होता है कभी कभी साइब जो आपका वेबसाइट होता है क्रैश हो जाता है। ओके, तो देखिए नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम क्या है पता है? देखिए नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम है मेन, नो रिकॉर्ड क्यों बताएगा? जब आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं अवेलेबल होगा तभी तो नो रिकॉर्ड दिखाएगा, या वैसे क्यों? और सेकेंड अगर बात रही एलिजिबल की तो वो एलिजिबल नहीं बता रहा होगा क्यों, कि एलिजिबल आप नहीं होंगे, हो सकता है CIE एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि एब्सेंट जो रहेंगे CIE एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, तो जी बिल्कुल जो है आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाइएगा अगर एब्सेंट भी रहिएगा तब। कौन कौन फॉर्म भरेंगे? तो पास वाले प्रमोट वाले फॉर्म जो है दोनों लोग भरेंगे, और फेल वाले को है ना अभी रुकना होगा, वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पहले एग्ज़ाम देंगे 2024-28 वाले सेशन के साथ, उसके बाद जो है आपको फॉर्म भरा उसके साथ भरिएगा, एक सेशन आप लोग का पीछे होगा। ओके, तो ये रही बात, और नॉट एलिजिबल बता रहा है आपको कि कुछ प्रॉब्लम जो है हो सकती है, अभी मेंटेनेंस में है वेबसाइट। ओके, प्रॉब्लम यही है कि अभी जो है मेंटेनेंस में है, और सबसे फर्स्टली जो आपको जब खुला था तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि उसमें सब्जेक्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ रही थी और बहुत सारे बच्चे का जो है दूसरा सब्जेक्ट रखना था जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट वहाँ नहीं दिया गया था, वो सब्जेक्ट रिगार्डिंग बात किया गया, वो सब्जेक्ट को लाया गया, बट जो है कुछ दिन से अभी वेबसाइट जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। अभी नॉट एलिजिबल वाले बच्चे क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए, वो अभी बहुत अभी रुकेंगे। ठीक है, कुछ दिन देखेंगे, अभी सर्वर जो है अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, एक दो दिन के बाद जो है सर्वर अच्छे से काम करेगा, और नो रिकॉर्ड वाले बच्चे भी। ठीक है, एक बार नॉट एलिजिबल वाले बच्चे चेकआउट करेगा कि कहीं रिजल्ट मेरा पेंडिंग या कहीं दिए नहीं ना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और नो रिकॉर्ड वाले बच्चे अभी कुछ दिन रुकेंगे, एक से दो दिन देखिए सुधार होती है तो आपको वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। या एक और काम करिएगा आप लोग, डाटा सेंटर का एक नंबर उठाइएगा, उस पर अपना जो है एक मार्कशीट का और जो स्क्रीनशॉट होती है कि आपका जो है नॉट एलिजिबल बता रहा है या नॉट रिकॉर्ड, वहाँ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपका जो रिकॉर्ड है उस पर चढ़ेगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे का जो है यूनिवर्सिटी वालों ने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया होगा,
आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में ऐसे होता है, एक दो दिन जो है छोड़ दी, जानते ही LNMU का वेबसाइट कैसा है, ठीक है। तो दो एक दो दिन छोड़ देना ही उचित है, उसके बाद से जो है आपको लगेगा कि काम करना बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर पाइएगा। फिलहाल यही सिचुएशन अपनाना पड़ेगा, इससे हट गया अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ओके। तो जो भी आपको प्रॉब्लम थी, नो रिकॉर्ड वाली, नॉट एलिजिबल वाली हमने आपको बताया। नो रिकॉर्ड आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी या PDF आप जो है डाटा सेंटर वाले पे भेजिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो लिख कर वहाँ पे भेज दीजिए, ठीक है। आपको 24 घंटे के भीतर कुछ ना कुछ रिप्लाई वहाँ से आएगी, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, या वो खुद कहेंगे कि रुक जाइए अभी, या आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो यही जो है मेन प्रॉब्लम थी आपको जो हमने बता दिया, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ओके। फिलहाल यही प्रॉब्लम आ रही है, 1 से 2 दिन रुकिए, और टेलीग्राम पे जो है आप जुड़ जाइए अच्छी तैयारी के साथ। PDF नोट्स सब अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम पे, रजत कॉमर्स पूरी पे, ठीक है। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो है हमारा आने वाला सब समझ में, और जो भी हमने सॉल्यूशन बताई है, ठीक है। इसके अलावा कोई जो है आपको खास सॉल्यूशन देने वाला नहीं है, ठीक है। जो अभी सॉल्यूशन दिख रही सामने वही हमने आपको बता दिया, ओके। तो इजाज़त दीजिए।